हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज की व्लॉग में हम बात करेंगे विनाइल रैपिंग के बारे में, जो मैंने मेरी गाड़ी को कर दिया है दोस्तों, और इससे गाड़ी का लुक थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर आप बाकी की कौन सी भी डिज़ायर देखो दोस्तों और ये गाड़ी देखो, तो बाकी की डिज़ायर में आप नोट करोगे कि आपकी गाड़ी का जो कलर होता है उसी कलर का ये पैनल होता है। ये गाड़ी भी पहले वैसे ही थी जो मैंने ऐसे कर दी। तो ये मैंने क्यों किया उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। तो इसका जो राज है दोस्तों, ये साइड में छुपा है उसका राज। तो मैं आपको बताऊँ तो मेरी गाड़ी एक बार दोस्तों यहाँ पर टच हो गई थी पत्थर को, और यहाँ अगर आप देखो तो इस तरह का थोड़ा सा कव जैसा रहता है ये पोर्शन, अगर आप देखो तो देखिए इस तरह का। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ देखो तो ये आपको पूरा सीधा लगेगा। वो इसलिए दोस्तों कि मेरी गाड़ी एक बार पत्थर से लग गई थी गलती से, और यहाँ पर मतलब डेंट लगा था। तो ये मुझे निकालना था, पर ये निकालने का मैंने मतलब डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि अगर निकालता तो इसको दोस्तों वेल्डिंग करनी पड़ती है। वेल्डिंग के बाद ये थोड़ा सा बाहर आना पड़ता है, फिर से इसको जो मतलब जो पेस्ट रहता है जो लेवल करते हैं वो मारने के बाद फिर से पेंट मारना पड़ता है। और पेंट की बात करूँ तो दोस्तों अभी गाड़ी को ऑलमोस्ट 8 साल हुए हैं, थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह है गाड़ी पर, और अगर मैं इसको पेंट कर देता तो भाई पूरा पैनल पेंट करना पड़ता। और ये जो पैनल है वो मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए, तो यहाँ पर कहीं भी मतलब ये पूरा पैनल यहाँ तो कंटिन्यू होता है। अब अगर आप देखो तो देखिए यहाँ पर, तो ये सब पेंट करना पड़ता है। और ये पेंट करने के बाद इसका कलर फ्रेश लगता और डोर का कलर थोड़ा सा डल पड़ जाता, तो ये करके कुछ फायदा नहीं। तो मैंने सोचा दोस्तों कि यहाँ पर हम लेवलिंग कर देते, तो पहले मैंने जो डेंट था वो फिल कर दिया, लेवलिंग कर दिया। मुझे एक आइडिया आया जिससे मुझे लगा कि क्यों ना ये डेंट भी कवर हो जाएगा और अपनी गाड़ी की थोड़ी सी लुक एनहांस हो जाएगी, जिसके लिए मैंने ये करना चाहा। तो इसमें मुझे टोटल 550 रुपीज़ का सिर्फ खर्चा आया, ये सब मटेरियल और सब काम वगैरह मिला के। तो यहाँ पर जितना मटेरियल यूज होता है उसके ऊपर चार्ज डिपेंड करता है। अगर ये गाड़ी इससे थोड़ी सी लंबी होती है तो भाई ज्यादा लंबा और थोड़ा सा ज्यादा मटेरियल लगता है, जिससे चार्ज बढ़ सकता। और अगर इससे गाड़ी जो है वो छोटी होती तो थोड़ा सा मटेरियल कम लगता, तो प्राइस और कम हो जाता। तो ये गाड़ी को तो मुझे ऑलमोस्ट 550 रुपीज़ पड़े, और ऑलमोस्ट इसको 1 साल हो गया है दोस्तों। तो मुझे सडनली सोचा क्यों ना इसके ऊपर भी आपको एक ब्लॉग बनाया जाए और दिखाओ एग्जैक्टली क्या किया है। तो ये मैंने जो किया है उससे एक तो मेरा डेंट इजीली विजिबल नहीं होता, अगर आप देखो तो अभी मैंने जैसे आपको दिखाया दोस्तों नजदीक ला के कैमरा, तो उससे आपको दिख गया। लेकिन दोस्तों अगर आप दूर से देखो तो आपको डेंट वगैरह कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आता इस गाड़ी में। तो आजकल की जो सभी SUVs गाड़ी आती है उन गाड़ियों में दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादातर इस तरह का ब्लैक वर्क देखने को मिलता है। लेकिन बात करें हम किसी हैचबैक और सीडान गाड़ियों की, तो इस तरह का अपने देखने को नहीं मिलता। स्पेशली अगर आप इस गाड़ी को किसी और डिजायर से कंपेयर करो तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी थोड़ी सी अलग है। तो जो गाड़ी पहले से आती है वो नीचे का जो पार्ट होता है पूरा गाड़ी के कलर का ही आता है। ये भी गाड़ी पहले ही सफेद थी, और कोई भी डिजायर भाई देखो तो जो कलर की होती है उसी कलर का नीचे का भी पैनल होता है, पर इस गाड़ी में आपको ब्लैक देखने को मिलेगा। तो ये करते समय मैं चाहता तो खाली ये नीचे का पैनल ही, ये वाला जो पैनल आप देख रहे हो नीचे वाला, वही कर सकता था। पर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको भी करते थे, क्योंकि दोस्तों इसको इस तरह का फोल्ड रखिए, ये जो दरवाजा है हमारी गाड़ी का इसको यहाँ से इस तरह का फोल्ड मिल जाता है। तो मैंने सोचा यहाँ से अगर हम कट करके इस तरह से कवर करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, और सच में दोस्तों ये अच्छा दिख रहा है। तो मैं आपको पीछे से गाड़ी की यहाँ पर व्यूज दिखा देता हूँ, देखिए। तो इस तरह से गाड़ी लगती है, और ये अगर नॉर्मल वाली डिजायर होती जो स्टॉक डिजायर आप बोल सकते हो, तो भाई ये पूरा आपको सफ़ेद दिख जाता और गाड़ी थोड़ी सी अलग भी लग सकती थी। तो इस तरह का मैंने रैपिंग किया है, और बहुत इजीली आपको ये करने को भी मिलेगा, क्योंकि अगर आपको करना है तो भाई जहाँ पर हम गाड़ियों में नंबर प्लेट का काम होता है, जहाँ पर आप गाड़ी को फिल्मिंग मारते हो, जहाँ पर गाड़ी पर स्टिकर वर्क होता है, कुछ नाम वगैरह डालते हो, तो सभी जो उस तरह के शॉप्स होते हैं भाई उनमें आपको इस तरह की रैपिंग कर देते। स्पेशली आज दोस्तों ये ट्रेंडिंग है रूफ को अगर आप रैपिंग करते हैं, जैसे कि आपको पता रहेगा कुछ लोग बेस मॉडल को और सेकेंड मॉडल्स को भी लेके ब्रेजा क्रेटा में आपने देखा होगा जिसको रूफ को रैपिंग की जाती है, तो वही शॉप में भी आप इस तरह का काम कर सकते हो भाई। आपको सिर्फ उनको बताना है कि आपको कहाँ पर और किस तरह से रैपिंग चाहिए, तो एक करने में 1-2 घंटे का टाइम लगता है और 1-2 घंटे में ये काम हो जाता है। तो ये मैंने किया है मेरी गाड़ी पर, और इससे आपको गाड़ी की लुक थोड़ी सी अलग लगेगी। तो आपको कैसी लगती है गाड़ी आप मुझे यहाँ पर बोल सकते हो। तो इस व्लॉग में इतना था दोस्तों, अगली व्लॉग में कुछ और बात करेंगे गाड़ी के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, और अगला वीडियो जरूर आएगा जल्दी।